हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजे टॉक्स। दोस्तों, एक बहुत ही बड़ी खबर आ रही है और ये खबर आ रही है हैदराबाद से, जहां पर पुलिस ने 9 ऐसे आरोपियों को गिरफ्तार किया है जिनका सीधा संबंध चाइनीज इन्वेस्टमेंट स्कैम, जो कि प्रीपेड टास्क स्कैम के नाम से, या फिर जो बहुत सारी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज के नाम पर बहुत सारी जो एप्स चल रही हैं बड़े बड़े ब्रांड्स के नाम का इस्तेमाल करते हुए, इसके साथ में जुड़े हुए 9 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया है जिनका संबंध सीधे सीधे 712 करोड़ रुपए की ठगी से है। जी हाँ, आपको याद होगा कि मैं समय समय पर इस तरह की चाइनीज एप्स और समय समय पर ऐसी बहुत सारे प्रीपेड टास्क स्कैम्स के बारे में अलग अलग वीडियोस के माध्यम से आपको समझाता आया हूँ। 2 हफ्ते पहले भी मैंने आपको पूरा मॉडस ऑपरेंडी समझाया था कि किस तरह से दुबई से ये सारा खेल रचा जा रहा है और इसके पीछे जो है वो चाइनीज मूल के लोग ही इसमें शामिल है, जो कि पूरे इंडिया से करोड़ों रुपए की ठगी रोजाना कर रहे हैं। अप्रैल में मैंने एक और वीडियो बनाया था जहां पर मैंने इनका पूरा मॉडस ऑपरेंडी आपके सामने एक्सपोज किया था कि किस तरह से ये चाइनीज स्कैमर जो हैं वो इंडियंस को अपना शिकार बना रहे हैं और लाखों करोड़ों रुपए की चपत रोजाना के बेसिस पे, यानी कि डेली के बेसिस पे लगा रहे हैं। तो चलिए खबर को पूरी तरह से जान लेते हैं। दरअसल हैदराबाद में पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें बताया कि उन्होंने 9 ऐसे अपराधियों को अलग अलग जगह से गिरफ्तार किया है जिनका सीधा संबंध इन चाइनीज गिरोहों के साथ में है, यानी कि जो चाइनीज गिरोह है उनके इशारे पर इन लोगों को काम करते हुए पाया गया और इनको अरेस्ट कर लिया गया। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि ये 9 जो आरोपी हैं वो पकड़े कैसे गए। दरअसल अप्रैल में शिवा कुमार नाम के एक विक्टिम ने हैदराबाद साइबर पुलिस में कंप्लेन दर्ज कराई। उसमें उन्होंने बताया कि उनके साथ 28 लाख रुपए की ठगी हो चुकी है और वो ठगी किसके माध्यम से हुई है, प्रीपेड टास्क स्कैम, यानी कि जो इन्वेस्टमेंट स्कैम है उसके द्वारा किया गया है। टेलीग्राम के ग्रुप्स में जाकर के उनको अलग अलग टास्क कराए गए, उनसे बहुत सारे पैसों का इन्वेस्टमेंट कराया गया और पुराने जो इन्वेस्टमेंट किए हुए जो पैसे थे उसको निकालने के लिए उसके एवज में और पैसे मांगे गए, जिसकी वजह से उनको 28 लाख रुपए का नुकसान हो गया। जब उसकी जांच की गई तो पाया गया कि 28 लाख रुपए जो उनसे लिए गए थे वो अलग अलग 48 बैंक खातों में जमा कराए थे। जब पुलिस ने उन खातों की जांच की तो पता चला कि 28 लाख नहीं बल्कि 548 करोड़ रुपए का लेन देन उन खातों में किया गया था और सभी खाते करंट बैंक अकाउंट थे और शेल कंपनीज के नाम पर खोले गए थे। उनमें से एक कंपनी राधिका मर्चेंट्स के नाम से थी जो कि हैदराबाद में ही रजिस्टर्ड थी। जब उनकी डिटेल्स को खंगाला गया तो उसमें से एक मोबाइल नंबर निकला। उस मोबाइल नंबर के आधार पर पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जब और ज्यादा जानकारी की गई तो पता चला कि और भी बहुत सारे अकाउंट्स इससे एसोसिएटेड थे और उन अकाउंट्स में भी ठगी के 128 करोड़ रुपए मंगाए गए थे, यानी कि कुल मिलाकर के 712 करोड़ रुपए ठगी की रकम इन बैंक अकाउंट्स में आई थी, जिनको की बाद में क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट करके देश से बाहर भेज दिया गया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो देश के लिए और ज्यादा शर्मसार कर देने वाली है और ज्यादा खतरनाक है, ये जो पैसे लोगों से ठगे गए उसका एक हिस्सा आतंकवादी समूह हिजबुल्ला को भी गया। जी हाँ, अब आप समझ सकते हैं कि इंडिया में बैठे हुए ये आरोपी जो कि चाइनीज लोगों की मदद करके इंडिया के लोगों को ठगी का शिकार बना रहे हैं और उसके बाद वो जो पैसा है वो आतंकवादी गतिविधियों में इस्तेमाल किया जा रहा है। पुलिस ने जब तफ्तीश की तो पाया कि ये जो बैंक अकाउंट्स थे इनको जो है दुबई की आईपी एड्रेस से एक्सेस किया जा रहा था। जी हाँ, ये बैंक अकाउंट इंडिया से ऑपरेट किए ही नहीं जा रहे थे, दुबई से इन अकाउंट्स को एक्सेस किया जा रहा था और यहां पर बैठकर ये आरोपी उनको ओटीपी देने का काम कर रहे थे। यानी कि बैंक अकाउंट का एक्सेस कहां हो रहा था, दुबई में हो रहा था और इनके जो ओटीपी आ रहे थे वो कहां आ रहे थे, इंडिया में आ रहे थे। यानी कि यहां पर बैठे हुए जो आरोपी थे वो इसका ओटीपी उन लोगों को भेजते थे किसी भी ट्रांजेक्शन का और डेली बेसिस पे, मिनट टू मिनट बेसिस पे उनको ओटीपी भेजी जाती है, क्योंकि मिनट टू मिनट बेसिस पे ही उन अकाउंट्स में पैसे आते हैं और उसके बाद उन अकाउंट्स के पैसों को क्रिप्टो में तब्दील कर दिया जाता है। हैदराबाद पुलिस ने अहमदाबाद से प्रकाश प्रजापति और कुमार प्रजापति नाम के 2 एक्यूज को गिरफ्तार किया है, 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है जिनका काम था अपने क्रिप्टो वॉलेट में पैसे मंगाना और उसके बाद किसी और वॉलेट में ट्रांसफर करके चाइनीज मूल के लोगों तक पहुंचाना। तो पुलिस ने जब क्रिप्टो वॉलेट को एनालाइज किया, किसकी सहायता से, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C जो कि एक विंग है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का, जिसकी मैं बार बार बात करता आया हूं कि जब तक होम मिनिस्ट्री इसमें कोई इनिशिएटिव नहीं लेगी
लोकल पुलिस या लोकल लेवल पर इस तरह के अपराधियों को पकड़ना, इस तरह के इंटरनेशनल गैंग्स को पकड़ना शायद बहुत ज्यादा मुश्किल केस है। तो I4C की मदद से जब उन अकाउंट्स को खंगाला गया, उन क्रिप्टो के उन वॉलेट्स को खंगाला गया, तब उनको ये पता चला कि भैया ये सारा जो पैसा है ये आतंकवादियों को भी जा रहा है। और किसके माध्यम से जा रहा है? क्रिप्टो के माध्यम से जा रहा है। इसके बाद पुलिस ने तफ्तीश में पाया कि ये जो प्रकाश प्रजापति नाम का व्यक्ति है वो एसोसिएटेड है चाइनीज मूल के ली लू गैंगजू नाम के व्यक्ति से, और नैन ये और केविन जून इस तरह के जो नाम है इन लोगों से जुड़ा हुआ है। और ही कोऑर्डिनेट्स विद द चाइनीज इन सप्लाइंग इंडियन बैंक अकाउंट्स एंड शेयर्स द OTP फॉर ऑपरेटिंग दीज बैंक अकाउंट्स फ्रॉम दुबई एंड चाइना थ्रू रिमोट एक्सेस एप्स कूल टेक एंड एंड्रॉयड। समझ में आ रहा है खेल क्या है? इंडियंस अगर मदद करना बंद कर दें, चार पैसों के लिए तुम आतंकवादियों को ले जाकर के पैसे दे देते हो और हमारे लोग यहां सुसाइड कर रहे हैं, कंगाल हो रहे हैं डेली बेसिस पर। रात को 3-3, 4-4 बजे तक मैं लोगों से बात करता हूं, लोग मुझसे आकर के अपना दुख सुनाते हैं कि मेरा इतना चला गया, मेरा उतना चला गया, अब मैं क्या करूं, साइबर क्राइम में कैसे रिपोर्ट करूं, साइबर क्राइम में रिपोर्ट करूंगा तो पुलिस मेरे घर आ जाएगी, मेरे ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी, मैंने अपने हस्बैंड को नहीं बताया, मैं अपने पापा को बताऊंगा तो पापा मेरे साथ ऐसा कर देंगे। आप सोच सकते हो कितनी बड़ी त्रासदी है ये। ये मामला 712 करोड़ का है ही नहीं, ये मामला 7,070,000 करोड़ का है। इसकी कमर ऑन प्रायोरिटी तोड़ी जानी चाहिए और यह सिलसिला अब रुकना नहीं चाहिए। ये 712 करोड़ जो कि मुझे मालूम है कि मिलने वाले नहीं है, दरअसल ये पैसे ट्रांसफर हो चुके हैं, यानी कि इन अकाउंट्स में जितने भी ये करोड़ों रुपए, 712 करोड़ रुपए जितने भी अकाउंट्स पकड़े गए हैं, आपको क्या लगता है विक्टिम्स को पैसे मिल जाएंगे? किसी विक्टिम को पैसा नहीं मिल रहा है, आपको बता रहा हूं, क्योंकि ये मेरी रोज की दिनचर्या हो गई है कि मैं 30-40 लोगों से बात करता हूं और सब मुझे यही बताते हैं। 3-3 महीने, 4-4 महीने, 6-6 महीने से जो लोग मुझसे बात कर रहे हैं, एक ढेला नहीं आया उनका, क्योंकि रिकवरी तो है ही नहीं ना। पैसा क्रिप्टो से बाहर चला गया, वहां से चाइनीज मूल के लोगों के पास चला गया, आपको इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके ये जो साइबर टेररिज्म है, जो वहां के लोग बैठे हैं, वहां की गवर्नमेंट से बात करके उन लोगों से पैसा वहां से लाना पड़ेगा, तब जाकर के कहीं विक्टिम्स को इंसाफ होगा। ठीक है, ये लोग पकड़े गए हैं, इनका पकड़ा जाना बहुत जरूरी था, क्योंकि यही लोग हैं जो इस 70,000 करोड़ को 7,00,000 करोड़ तक भी पहुंचा सकते थे। पुलिस का ये कहना है कि जो मास्टरमाइंड है वो यही लोग हैं जिनका नाम है चाइनीज ली लू गैंगजू, नैन ये और केविन जून। ये तीन लोग हैं जो इसके मास्टरमाइंड हैं, जो ये सारा खेल वहां से बैठकर के रच रहे हैं, ये सारा गेम वहां से बैठकर इंडिया में चला रहे हैं। पॉसिबल ही नहीं होता अगर हमारे चंद हरामखोर लोग इसमें शामिल ना होते और अपने बैंक अकाउंट्स को यहां ना बेचते और इस तरह से क्रिप्टो एक्सचेंज के माध्यम से पैसों को कंट्री से बाहर ना बेचते। शर्म आनी चाहिए, डूब मरना चाहिए। यहां हजारों की संख्या में युवा बेताब है बॉर्डर में सेवा देने के लिए, देश सेवा के लिए मर मिटने के लिए, और यहां इस तरह के हरामखोर जो कि यहीं का खा करके चाइनीज मूल के लोगों को, यहां के लोगों से ठगा हुआ पैसा ले जाकर दे आते हैं और यहां के लोग जो है वो मरने पर मजबूर हो रहे हैं। और गलती सिर्फ उनकी नहीं है, उन्होंने हमारा माइंडसेट पढ़ लिया है, उन्होंने माइंडसेट पढ़ लिया है कि इनके मुंह पे 150 रुपए फेंको, ये हमारे लपेटे में आ जाएंगे। और मैं आपको एक और बात बता देता हूं कि ये जो 9 एक्यूज पकड़े गए हैं, इनका तो कनेक्शन था चाइनीज लोगों से, यानी कि ये जो कुछ भी कर रहे थे सोच समझ कर कर रहे थे, लेकिन ऐसे सैकड़ों हजारों लाखों युवा इंडिया में हैं जो कि अनजाने में ये काम कर रहे हैं। जी हाँ, उनको फंसाया जाता है जॉब्स के नाम पर, उनको बताया जाता है कि आप एक कलेक्शन एजेंट बन जाइए, हम जोमेटो कंपनी से बात कर रहे हैं, उनको टेलीग्राम पर इस तरह से अप्रोच किया जाता है और उनको बताया जाता है कि आपको डेली बेसिस पे सिर्फ ये 2,000 से 5,000 रुपए, 10,000 रुपए, 20,000 रुपए आपको आएंगे, आपको हमारे बताए हुए अकाउंट्स में, हमारे बताए हुए वॉलेट में क्रिप्टो से कन्वर्ट करके ये पैसा भेजना है। समझ रहे हैं आप कि ये रोग किस लेवल पर फैला रखा है? इन आरोपियों को तो गिरफ्तार कर लिया, लेकिन उनका क्या, वो आरोपी नहीं है और ना वो इसमें शामिल हैं, वो तो बेचारे ऐसे ही फंस गए क्योंकि उनको ऐसा बताया जाता है कि अगर आप अपने अकाउंट में पैसे मंगाओगे और उसके बाद ये जो पैसा हमारे पास आ रहा है ये हमारी गेमिंग कंपनी है और गेमिंग कंपनी का पैसा है, उनको थोड़ा बताया जाता है कि ये ठगी का पैसा है। क्या करे वो आदमी, वो बेचारा साइबर केस लेके घूम रहा है अपने ऊपर। और इसका ज्यादातर शिकार जो होते हैं वो स्टूडेंट्स होते हैं, बेरोजगार युवा होते हैं और साथ में बहुत सारी गृहणियां भी होती हैं। उनको लालच दिया जाता है, उनको बताया जाता है कि ये कोई गलत काम नहीं है, उनको अलग अलग सर्टिफिकेट परोसे जाते हैं जो कि फेक सर्टिफिकेट्स होते हैं, उनको बोला जाता है कि देखिए हमारी एक जेन्युइन कंपनी है और हम US में हैं, इंडिया में हम क्रिप्टो में डील नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमारे जो
इन्वेस्टर्स हैं जो क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनका जो है हम आपके माध्यम से पैसा बाइनेंस और बिटबीएनएस जो इस तरह के क्रिप्टो एक्सचेंज होते हैं वहां पर आपको पैसा लगाना है और लगा के पैसा वो आपको हमें भेज देना है, हमारे वॉलेट में ट्रांसफर कर देना। आपको क्या मिलेगा? 2-5% से लेके 10% तक का बीच में कमीशन इन बेचारे विक्टिम्स को दिया जाता है जो कि एक्चुअल में विक्टिम है, उनको पता ही नहीं कि वो क्यों कर रहे हैं। तो एक तरफ जहां पर ये ऐसे लोगों को फंसा रहे हैं जिनसे कि ये इन्वेस्टमेंट के नाम पर पैसा लेते हैं, उनको लाखों करोड़ रुपए का शिकार बनाते हैं, वहीं दूसरी तरफ ये लोग ऐसे बहुत सारे ट्रेडर्स का इस्तेमाल करते हैं जिनसे अनजाने में और धोखाधड़ी करके उनके साथ में उनके जो पैसे होते हैं उनके अकाउंट में जो आते हैं उनको जो है क्रिप्टो में ट्रांसफर करा करके बाहर भेज देते हैं। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद साइबर की कंप्लेंट होती है। ये जो विक्टिम है ये जब साइबर कंप्लेंट करेगा तो पुलिस क्या करती है? पुलिस देखती है किसके खाते में पैसे गए, उसके खाते में पैसे गए, उसके खाते में पैसे गए, उसको पकड़ती है, पता चलता है कि वो भी बेचारा विक्टिम है, उसने तो उस पैसे का इस्तेमाल किया ही नहीं है। साइबर केस किसके अगेंस्ट हो रहा है? उसके अगेंस्ट हो रहा है और उसकी कोई बात नहीं कर रहा है, मैं आपको बता रहा हूं। और ऐसे एक नहीं सैकड़ों में लोग मुझे आकर के अपनी आप बीती बताते हैं और मुझसे उसका सॉल्यूशन पूछते हैं। क्या सॉल्यूशन है इसका, मैं क्या बता दूं सॉल्यूशन आपको? एक ही सॉल्यूशन है कि आप जब टेलीग्राम पर इस तरह से बात करते हैं तो उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग रखिए, उनके सारे स्क्रीनशॉट्स रखिए कि किस तरह से उन्होंने आपको अप्रोच किया था, कैसे आप उनके चंगुल में फंस गए, और ये सारी बातें आप भी ले जाकर के अपना काउंटर केस लगाइए और बताइए कि हमारे साथ ऐसा हुआ है। और ऐसा नहीं है कि साइबर पुलिस वालों को समझ में नहीं आता, ऐसे बहुत सारे केसेस, ऐसे बहुत सारे नोटिसेस इशू हुए हैं जहां पर इस तरह के विक्टिम्स को भी थाने में बुलाया गया है। मैंने अपने तमाम वीडियोस में इनकी जो अलग अलग मॉडस ऑपरेंडीज हैं उनको समझाया है। अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में जाकर के मैंने डिटेल में वीडियो बनाया कि आपको कैसे स्कैम में नहीं फंसना है, और मैं रोज ये इन्वेस्टमेंट ऐप जो आती हैं, अर्निंग ऐप्स आती हैं, उसके खिलाफ भी कितने वीडियोस बना रहा हूं, दिखा रहा हूं, समझा रहा हूं कि भैया एक दिन जाएंगी ये कंपनी, जॉनसंस हो चाहे फिलिप्स के नाम पर हो, चाहे 7-Eleven के नाम पे हो, हीरो साइकिल के नाम पे हो, रिलायंस के नाम पर हो, ऐसा कोई इंडियन नोन ब्रांड्स नहीं छोड़ा है जिनके नाम पर कोई ऐप ना चल रही हो। और लोग ऐसे हैं कि चंद पैसों के लिए वहां जाकर के पैसा लगा के आ जाते हैं, 4 दिन जीतते हैं, 5 दिन हारते हैं, उसके बाद 10 लोगों को और अपने साथ शामिल कर लेते हैं, उनका नुकसान नहीं हुआ तो उनका नुकसान हो जाता है जिनको उन्होंने ज्वाइन कराया हुआ होता है, लेकिन बात समझ में आती नहीं है। सैकड़ों की तादाद में लोग अपना अकाउंट फ्रीज कराए बैठे हैं लेकिन इनको समझ में नहीं आएगा क्योंकि आबादी इतनी है, उनको मालूम है ये नहीं फंसेंगे तो कोई और फंस जाएगा। तो भैया समझ जाओ, अभी भी कह रहा हूं संभल जाओ, इस तरह के वीडियोस को देखने से कुछ नहीं होगा, इसको शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए। मामला 700 करोड़ का नहीं है, 70,000 करोड़ का मामला है, बहुत ही गंभीर मामला है और अवेयरनेस के अलावा इसका कोई चारा या कोई समाधान नहीं है, क्योंकि ये जो 712 करोड़ रुपए के एक्यूज पकड़े गए हैं ये पैसे वापस नहीं आ गए, तो कोई ये बड़ी खुशहाली की बात वैसे है नहीं किसी के लिए भी। तो जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके इस तरह के वीडियोस को शेयर किया कीजिए लोगों तक ताकि उनको इस समझ में आए कि हमें किस तरह के स्कैम्स में नहीं पड़ना है। जैसे ही व्हाट्सएप पर कोई आता है कि भैया हमारे पास ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी है कि हम ये टास्क करा के आपको 150, 200, 500 रुपए दे देंगे, कोई फोकट में कोई पैसा नहीं देता याद रखना, और घर बैठे इस तरह की जॉब अगर मिलने लगती ना तब तो फिर घर बैठ के लोग जॉब करते आराम से। तो चलिए आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट है शेयर करना। अवेयर रहिए, सतर्क रहिए, इन सारे जो साइबर क्रिमिनल्स के अलग अलग पैतरे हैं उनको भी समझने की कोशिश कीजिए, बहुत ज्यादा समय नहीं लगता, एंटरटेनमेंट के बीच में थोड़ा समय अवेयरनेस के लिए भी निकालिए क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजी है जिस फेज में जा रही है वहां पर ये और ज्यादा होगा। टेक्नोलॉजी के जो लूप होल्स का जो इस्तेमाल होता है वो अपराधी ही ज्यादा अच्छे से करते हैं, ये याद रखिए। चलिए वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।